नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कैसे अर्णब गोस्वामी एक बार फिर से बहुत लंबे समय के बाद सामने निकल कर आए हैं और सीधे सीधे सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की बात कही है। अर्णब गोस्वामी का मानना है कि आज भी सुशांत सिंह राजपूत केस में बहुत सारे सबूत हैं जिन पर सीबीआई नजर ही नहीं डालना चाहती है। अगर सीबीआई इन तमाम सबूतों पर नजर डाले तो सुशांत सिंह राजपूत का केस बेहद ही जल्द और बहुत ही आसानी से सुलझाया जा सकता है। तो क्या कहा है अर्णब गोस्वामी ने, चलिए मैं आप सभी को बताता हूँ। जी हाँ, आपको बता दें, अर्णब गोस्वामी दोस्तों ऐसे एकमात्र न्यूज एंकर हैं जो अभी भी सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की बात पर अड़े हुए हैं। इनका मानना है कि अभी भी सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल सकता है, बशर्ते जांच एजेंसियां अपने काम को ईमानदारी से करें। इसी बीच एक बार फिर से अर्णब गोस्वामी ने सीधे शब्दों में सीधे सीधे सुशांत सिंह राजपूत केस में बड़ा बयान दिया है। अर्णब गोस्वामी ने कहा है कि आज भी सुशांत के घर में वो सबूत मौजूद हैं जिससे सुशांत का केस सुलझाया जा सकता है। इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी पर जो निशान मिले थे और जो सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उस पर भी सवाल उठा था। तो क्या जांच एजेंसियां सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर अभी भी पूरी तरह से श्योर हैं? क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही अगर सवालों के घेरे में है तो आप खुद सोचिए कि किसी का केस कैसे सुलझेगा। और इसी वजह से सुशांत सिंह राजपूत केस में आज भी लगातार सवाल जवाब हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि सुशांत के केस को अभी भी जांच एजेंसियों ने सही तरीके से नहीं सुलझाया है, वरना शायद अब तक सुशांत का केस जो है वो कब का सुलझ गया होता और सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ भी मिल गया होता। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।